दोस्तों, हम पृथ्वीवासियों की मंगल ग्रह के प्रति दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम मंगल ग्रह से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर खोजने में लगे हुए हैं, जैसे कि कभी मंगल ग्रह पर जीवन था, क्या अभी भी मंगल ग्रह पर पानी उपलब्ध है, और अगर है तो क्या मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है। ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर अभी हमें मिलना बाकी है, लेकिन वैज्ञानिकों ने आखिरकार मंगल ग्रह पर पानी खोजने में सफलता हासिल कर ही ली है। एक जानकारी के अनुसार यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और रूसी रोस्कोस्मोस एजेंसी ने संयुक्त रूप से 2016 में मंगल ग्रह पर एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन के दौरान अब मंगल ग्रह पर पानी के एक विशाल भंडार की खोज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार मंगल ग्रह पर खोजा गया जलाशय 2400 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है और मंगल की सतह से केवल 3 फीट की गहराई पर स्थित है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जलाशय का आकार यूरोपियन देश नीदरलैंड के बराबर है, और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि वहां मौजूद पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। रूसी विज्ञान अकादमी के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ एलेक्स की मालाकोव ने कहा है, यह जलाशय हमारी अपेक्षा से बहुत बड़ा है। मंगल का यह क्षेत्र और इसके जल भंडार पृथ्वी के उन क्षेत्रों के समान है जिनके नीचे बर्फ के रूप में पानी के जलाशय है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक यह भी मान्यता है कि हजारों वर्ष पूर्व मंगल ग्रह पर बहुत भारी मात्रा में पानी मौजूद था, लेकिन वह धीरे धीरे सूख गया। अब पानी की खोज के बाद वहां इंसानी जीवन की कल्पना को और भी बल मिला है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।